क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 6 रन से हरा दिया, मगर ये मैच जैसे ही खत्म हुआ हंगामा हो गया, ड्रामा हो गया। विराट कोहली ने हार मानने से ही इनकार कर दिया क्योंकि ये मैच मुंबई इंडियंस हार ही जाती। तो आखिर क्या हुआ वो ड्रामा, आपको बताते हैं, आप कमेंट जरूर करें। तो आखिरी ओवर मुंबई के लिए मलिंगा कर रहे थे। आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी और पहली बॉल पर शिवम दुबे ने छक्का मारकर मैच को रोमांचक कर दिया, मगर इसके बाद अगली 4 गेंदों पर दोनों ही खिलाड़ी सिर्फ सिंगल ही ले पाए। आखिरी बॉल पर जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी और टाई होने के लिए 6 रन की। स्ट्राइक पर शिवम दुबे ही थे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे एबी डिविलियर्स। अब जैसे ही इस बॉल पर शिवम दुबे ने शॉट मारा तो बल्लेबाजों ने रन तो कोई नहीं लिया और मुंबई ने मैच को जीत लिया, मगर अभी ड्रामा होना बाकी था। सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तभी मैदान में लगी बड़ी स्क्रीन पर आखिरी बॉल का रिप्ले दिखाया गया। जी हाँ, मलिंगा की ये बॉल नो बॉल थी, यानी मैच में एक और बॉल बची हुई थी जिस पर फ्री हिट भी मिलती और मुंबई की जीत तब तक नहीं हुई थी, मगर खिलाड़ी बाउंड्री रोप से बाहर जा चुके थे। जी हाँ, खिलाड़ियों के साथ अंपायर भी बाहर जा चुके थे। ऐसे में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली बुरी तरह भड़क गए। जब विराट इंटरव्यू के लिए आए तो विराट ने कहा कि आखिरी बॉल पर हमारी टीम जीत सकती थी क्योंकि एबी स्ट्राइक पर आ गए थे, लेकिन अंपायर ने बहुत बड़ी गलती की और इतने बड़े टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गली क्रिकेट नहीं है। यही नहीं, कमेंटेटर भी अंपायर से खासे नाराज दिखे क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इतनी खराब अंपायरिंग नहीं हो सकती। अब हालांकि मैच तो आरसीबी हार गई, लेकिन खराब अंपायरिंग ने मैच का मजा खराब कर दिया। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, आखिरी बॉल पर क्या हो सकता था। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।